हेलो एवरीवन, मैं हूं फरहीन बख्तावर और आप लोग देख रहे हैं WBPSC गाइड। आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से ड्राफ्ट रेडी करते हैं, रिपोर्ट को किस तरह तैयार करते हैं। आज एक रिपोर्ट, एक क्वेश्चन है रिपोर्ट पर, उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। वो मैंने सॉल्व कर दिया है, आप लोगों को जस्ट देखना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अच्छे से पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको एग्जाम्स के लिए। मैंने आप लोगों को भी कहा था कि आप लोग कुछ पॉइंट्स अपना कलेक्ट करके रखना, कुछ अगर हो सके तो पॉसिबल कुछ सेंटेंस भी लिख कर रखो, लेकिन अगर नहीं हो पाया इट्स ओके। आप लोग आज का ये वीडियो देखो, एंड तक देखना, यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे से पॉइंट्स मिल जाएंगे इस एक क्वेश्चन से। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, क्लर्कशिप मेन्स एग्जाम का प्रीवियस ईयर में आया था, उसी को लेकर के मैंने आज ये फर्स्ट वीडियो जो है स्टार्ट किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इसे लाइक एंड शेयर भी कर देना, फाइन। और इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा टिल 27 सितंबर। ये इंग्लिश का क्लासेस चलता रहेगा और नेक्स्ट मंथ से बंगाली का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ओके। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। सो इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी एक्टिव चैनल है जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स ये सब प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ ही देख सकते हैं आप लोग इस पिक्चर में कि यहाँ पर क्विज भी कंडक्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना इस चैनल को, इसका इस वीडियो का PDF भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, फाइन। ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लाइक मैथ्स के लिए सेपरेट है, GS के लिए सेपरेट है, ओके, ज्वाइन कर लेना आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जहां पर हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक विथ अ सूटेबल टाइटल। ठीक, आपको एक रिपोर्ट लिखना है विथ अ सूटेबल टाइटल। यहां मेंशन कर दिया गया कि आपको टाइटल देना है। वर्ड लिमिट दिया हुआ है कितना, 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है, एंड मार्क्स कैरी कर रहा है आपका ये 20। सो 20 मार्क्स एंड 200 वर्ड्स। अब आप लोग अपना टाइम भी उस तरह से डिसाइड कर देना, जब भी लिखने बैठो तो स्टॉप वॉच सामने लेकर बैठना। 10 मिनट्स में कितने लाइन्स, कितने सेंटेंस और कितने वर्ड्स लिख पा रहे हो उसको कैलकुलेट करो, अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। पहले ही स्टॉप वॉच रेडी कर लेना और देखना कि इन आपको 10 मिनट्स तो टाइम एटलीस्ट रखना है, अभी स्टार्टिंग में है ना, तो 10 मिनट्स में आप कितना लिख पा रहे हैं, कितने वर्ड्स आप लोग लिख पा रहे हैं, कितना मीनिंगफुल सेंटेंस बना पा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो आप लोग जस्ट चेक करते रहो। लिखना सिर्फ ऐसे बैठ कर सारा दिन लिखना नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है एग्जाम के लिए, ठीक है। बिकॉज वो 1 आवर जो है ना, उसका प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस अब उस तरह से नहीं हुई तो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं, हमारा ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में, ओके। तो क्वेश्चन है, रिपोर्ट लिखना है, टॉपिक दिया हुआ है, चलिए क्या टॉपिक है देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो हेयर इट इज द क्वेश्चन, सप्लाई अ सूटेबल टाइटल। अगेन इट हैज बीन मेंशन ओवर हियर दैट यू हैव टू सप्लाई अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड नाउ व्हाट इज अ टॉपिक, देखिए ये कुछ इस तरह के ना हिंट्स दिए गए जाते हैं एग्जाम में। अगर आप लोग रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको हिंट्स दे दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ओके। हमको वहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं होती, हिंट्स दिया हुआ है, जस्ट हमें उसे जॉट डाउन करके अच्छे से सेंटेंस बनाकर प्रेजेंट कर देना है रिपोर्ट में, फाइन। तो देखिए क्या क्या हिंट दिया है। सबसे पहले प्लेस बता दिया गया है, इट इज़ हल्दिया, कुकराहाटी, मिदनापुर, ओके। यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, व्हाट इज दैट, डेट दिया गया है 10th of September 2012 का ये डेट है, ये प्रीवियस अ क्वेश्चन है, ओके। तो उस तरह से आप लोग देखिए, ये जस्ट मैंने क्वेश्चन इसलिए पिक करके यहाँ पे आपको दे दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देन इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या है एक्चुअल में, ये है कि बोट कैप्साइज इन द हुगली, ओके, हुगली रिवर में बोट कैप्साइज हुआ, यही मेन इवेंट और इंसिडेंट है जिसको हम लोग को रिपोर्ट करना है। देन उसके उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, 32 फेयर डेड, और कितने सारे लोग मारे गए हैं, कितने सारे लोग बचे हैं उनमें से, ठीक है, ये सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि 10 बॉडीज रिकवर्ड, 7 women 3 children, इस 10 बॉडी में आउट ऑफ 10 7 and 3 का इस तरह से दे दिया गया है सेपरेट। एंड देन 10 swam ashore, इसका मतलब ये होता है स्विम का, ये फास्ट टेंस है स्वैम, तो यानी कि कुछ 10 लोग जो थे वो लोग सेफली किनारे तक स्विम करके आ गए थे, ओके। देन अब दिया गया है कॉज, इसका कॉज क्या था इंसिडेंट का, रेगुलर फेरी सर्विस हैड स्टॉप्ड, बोट कैरिंग बियॉन्ड कैपेसिटी। सो ये दो रीजन दिया गया है कि जो रेगुलर फेरी सर्विस थी वो
स्टॉप थी, रुका हुआ था, तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो बोट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया और वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो लोगों को अबॉर्ट कर लिया था इसलिए। देन द नेक्स्ट इज इफेक्ट। अब ये जो इंसिडेंट हो गया, अब इसका इफेक्ट क्या था? इफेक्ट वॉज कि लोकल पीपल उनका क्या रिएक्शन है, देन ड्राइवर्स, पुलिस, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ये हम लोगों को बताना होगा अपने रिपोर्ट में। एंड देन लोकल्स आउटरेज्ड, ये मेंशन कर दिया गया। देखिए लोकल्स आउटरेज्ड, किस तरह से वो लोग आउटरेज कर रहे हैं, ये है हाईवे ब्लॉक्ड। आउटरेज माने एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि अपना जो गुस्सा है किस तरह से वो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था बाय द लोकल पीपल। ओके, तो ये सारा कुछ पॉइंट मिल गया हमें। अब हमें स्टार्ट कर देना होगा लिखना। टाइम देख लीजिएगा आप लोग, 10 मिनट्स में लिखना है। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग जब भी लिखने बैठो स्टॉप वॉच स्टार्ट करके लिखना स्टार्ट करना कि 10 मिनट्स में कितने सेंटेंस बन रहे हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं मेन आंसर इसका क्या है। सो ये रहा, ये मैंने रेडी किया है एक रिपोर्ट इस टॉपिक पर। बोट कैप्साइज इन मिदनापुर, सिंपल सा दिया है मैंने ताकि समझ आ जाए आपको। यहाँ पर जगह भी समझ आ गया, इंसिडेंट भी समझ आ गया टाइटल से। ओके, अब इंट्रोडक्शन में हम लोगों को जगह का नाम देना पड़ता है, देन डेट देना पड़ता है, जिस दिन हमारा एग्जाम है उस दिन का हम डेट दे रहे हैं। और जो अंदर आपका वो दिया है वो तो प्रीवियस का क्वेश्चन है ना, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, जस्ट इंसिडेंट देखिए। सो हियर इट, द बोट फेयरिंग अराउंड 50 पीपल। ठीक है, ये फेयरिंग अराउंड, इसको आप लोग अगर दूसरा वर्ड अगर यूज करना चाहते हो ना, तो अगर सिंपल में तो आप लोग यहाँ कैरिंग भी लिख सकते हो। ओके, द बोट कैरिंग अराउंड 50 पीपल। फेयरिंग बहुत अच्छा सा वर्ड लग रहा था इसलिए मैंने उसे डाला। तो फेयरिंग अराउंड 50 पीपल कैप्साइज्ड इन द हुगली रिवर एट हल्दिया। ओके, एक सेंटेंस, एटलीस्ट 30 पीपल वेर ड्राउंड एंड सो फार 10 बॉडीज हैव बिन रिकवर्ड। सो 30 पीपल वेर ड्राउंड मतलब के 30 पीपल, 30 लोग जो थे वो डूब चुके हैं। ओके, एंड सो फार 10 बॉडीज हैव बिन रिकवर्ड, और इतनी सारी बॉडीज जो है वो रिकवर की गई है। अमंग्स दीज 10 बॉडीज 7 वेर वुमेन एंड 3 वेर चिल्ड्रन। ये हमारा हिंट दिया हुआ था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, जो आपका इंट्रो होगा वो जस्ट आपका टाइटल का रिपीटेशन होगा। तो जो टाइटल में हम लोगों ने कहा कि बोट कैप्साइज हुआ मिदनापुर में, जस्ट उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा डिटेल में जगह और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ लिख दिया। ओके, तो ये हो गया इंट्रो। अब देखते हैं मेन बॉडी में हमें क्या डालना है। एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है, ये इंट्रो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, इसको याद रखिएगा। ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, फाइन। एग्जाम में इस तरह से नहीं, एग्जाम में आपको शुरुआत करना है यहाँ से, अपने ये प्लेस देकर स्टार्ट कर दीजिएगा ये पॉइंट। ओके, ये इंट्रो नहीं लिखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसकी मेन बॉडी, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, ये भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। ओके, याद रखना, ये नहीं लिखना है, ये जस्ट जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे मेन बॉडी में? व्हाइल द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम दैट द बोट वॉज कैरिंग अराउंड 50 पीपल, आई विटनेस रिटेलिएटेड दैट नियरली 100 पैसेंजर्स वेर अबॉर्डेड। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका क्लेम है, उनका कहना है कि ये जो बोट था उसमें कितने लोग थे, अराउंड 50 पीपल, लेकिन जो आई विटनेस है, आई विटनेस, देखिए ये बात तो वहाँ नहीं दी गई थी, ये मैंने इस तरह से ऐड किया, ठीक है। तो रिपोर्ट में आप लोग जो है जो हिंट्स दिया हुआ है जस्ट उसी को लेके लिखेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप लोग अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो उसमें। ओके, तो मैंने इस तरह से इसको बना लिया कि कुछ आई विटनेस जो हैं उनका ये कहना है, रिटारिएट मैंने कि उन लोगों का बार बार ये क्लेम करना है कि नियरली 100 पैसेंजर्स वेर अबॉर्डेड। अबॉर्डेड मीन्स वो लोग उस बोट पर थे। ओके, सो आई विटनेस रिटारिएटेड एट नियरली 100 पैसेंजर्स वेर अबॉर्डेड। नाउ एज द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स इन द बोट वॉज फार बियॉन्ड द परमिजिबल लिमिट, ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं। एज द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स, जो हम लोगों को बोला गया, हिंट में दिया गया था कि जो बोट था वो ज़्यादा अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को, पैसेंजर्स को लिए हुए था, उसी चीज़ को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि एज द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स इन द बोट वॉज फार बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द बोट स्टार्टेड इट्स जर्नी इट कैप्साइज्ड, ठीक है, क्लेम बाय अ लोकल पीपल। सो जैसे ही जो पैसेंजर थे, पैसेंजर जो थे वो बोट में बहुत ज़्यादा थे, इसका जो एक परमिसेबल लिमिट होता है मतलब कि जितना होना चाहिए, ओके, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लोग थे, और जैसे ही ये बोट अपनी जर्नी स्टार्ट की, जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स इट कैप्साइज्ड, और ये किसका कहना है, लोकल पीपल का कहना है। ओके,
देन उसके बाद है द इरेग्युलर फेरी सर्विस कंपेल्ड, जो ये इरेग्युलर, ये रीज़न में दिया गया था ना कॉज में कि इरेग्युलर फेरी सर्विस, जो फेरी सर्विस वॉज स्टॉप, ऐसे दिया गया था ना, तो उसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा कि इरेग्युलर फेरी सर्विस कंपेल्ड द पैसेंजर्स टू अबोर्ड द बोट्स बाई रिस्किंग देयर लाइव्स. ठीक, कि जो इरेग्युलर फेरी सर्विस जो है बहुत ही इरेग्युलर था, एक्चुअली में स्टॉप हो चुका था, तो इसकी वजह से पैसेंजर को ये मीन्स मजबूर किया गया था, एक तरह से वो लोग कंपेल्ड थे, ठीक है, कि उनको उस बोट पे चढ़ना ही पड़ा अपनी जान को, जो हम लोग कहते हैं कि जान को डेंजर में डालते हुए, ठीक है, अपनी लाइफ को डेंजर में डालते हुए भी वो लोग बोट को अबॉर्ड किए. वाई? बिकॉज द रीज़न वॉज द इरेग्युलर फेरी. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज कि अब जो है ये तो इंसिडेंट हो गया, लोकल लोगों का क्या कहना है वो भी हो गया, अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है वो हम लोग बताएंगे. द NDRF टीम रीच द स्पॉट, ओके, एंड स्टार्टेड अ रेस्क्यू ऑपरेशन, हेल्प सम ऑफ द पैसेंजर्स टू स्वैम अशोर सेफली. ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ पर हिंट्स में दिया हुआ था कि कुछ लोग 10 लोग थे आई थिंक, वो लोग सेफली आ गए थे किनारे की तरफ, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है इस पॉइंट में कि NDRF टीम जो रीच वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने क्या किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया. उनमें से एक काम ये भी था कि उन्होंने बहुत सारे पैसेंजर्स को हेल्प किया टू स्वैम अश्योर सेफली. फाइन, देन नेक्स्ट इज द पब्लिक शोड देयर आउटरेज बाय ब्लॉकिंग द नेशनल हाईवे फॉर अ कपल ऑफ आवर. अब यहाँ पर जो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स था वो हम लोगों को बताना है, तो यहाँ पे इस तरह से बता सकते हैं दैट पब्लिक शोड देयर आउटरेज बाय ब्लॉकिंग, कैसे, ब्लॉक करके, रास्ते को ब्लॉक करके, नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था फॉर अ कपल ऑफ आवर, यानी कि फॉर 2 आवर्स नहीं लिखकर, थोड़ा सा अच्छा हम लोगों को बनाना है तो उसको लिख सकते हैं कपल ऑफ आवर. ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, मैटर वॉज रिजॉल्व आफ्टर मीटिंग्स एंड नेगोसिएशंस विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. मैटर वॉज रिजॉल्व माने ये जो नेशनल हाईवे को इन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ था तो ये मैटर को रिजॉल्व कर लिया गया, कैसे, आफ्टर सच मीटिंग्स एंड नेगोसिएशन, यानी कि बातचीत करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. ओके, एंड एट द एंड क्या हुआ, स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी. अब जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, कोई नाम मेंशन आपको नहीं करना है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पर, तो स्टेट चीफ मिनिस्टर यही सफाइस होगा, इतना ही बोलना काफ़ी है. सो स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी एंड अनाउंस कंपनसेशन टू द विक्टिम्स एंड द किथ एंड किन ऑफ द डिजीज्ड. ओके, ये देखिए इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं दैट अनाउंस कंपनसेशन, किसको कंपनसेशन मिलेगा, जो विक्टिम्स हैं वो एंड जो जो मारे जा चुके हैं, ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनको कैसे दिया जाएगा कंपनसेशन, उनके रिलेटिव्स को दिया जाएगा, तो रिलेटिव्स नहीं लिखकर इसकी जगह मैंने ये यूज़ किया है किथ एंड किन. आप लोग रिलेटिव्स भी लिख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, ओके, थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपने रिपोर्ट को हम लोग इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं. फाइन, सो दिस इज द लास्ट एंड द कंक्लूडिंग पार्ट दैट द स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑर्डर एन इंक्वायरी एंड अनाउंस दिस कंपनसेशन टू द विक्टिम्स एंड द किथ एंड किन ऑफ द डिसीज्ड. सो ये कंक्लूजन है, ये भी आपको इस तरह से हेडिंग कंक्लूजन नहीं देना है, आपको जस्ट एक पेज में सिंपली रिपोर्ट लिखना है, स्टार्ट कर देना है डेट एंड प्लेस देने के बाद. ये इस तरह से मैंने ब्रेक करके इसलिए आप लोगों को बताया कि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा ना उसमें मैं इस तरह से सेक्शन वाइज अलग अलग नहीं लिखूंगी कि क्या कौन सी बॉडी है कौन सा कंक्लूजन है. ओके, क्लियर, इतना आप लोगों को, अगर देखिए अगर आप लोग अपना जो आप लोगों ने लिखा है उससे आप लोग मिलाकर देख लेना. सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे जहाँ पे हम लोगों ने ये रिपोर्ट राइटिंग इस टॉपिक पे किया, प्रीवियस क्वेश्चन पे. नेक्स्ट जो रहेगा उस पर आप लोगों को लिखना है अम्फन पे, अम्फन साइक्लोन, इस पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है, दिस मे बी द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है. तो ये अम्फन साइक्लोन पे आप लोग एक अच्छा से रिपोर्ट रेडी कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो अपलोड करूंगी, आप लोग उससे मिलाकर देखना, कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको भी मिल जाएंगे. ओके, और इसके PDF के लिए आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF भी मिल जाएगा, और अगर आप लोग जो भी कुछ पॉइंट्स लिख रहे हो तो वहाँ शेयर भी कर सकते हो, सारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो चेक कर लेंगे आपस में, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप लोग जब टेलीग्राम में आओगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी. ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर.